नमस्कार, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स अपने हर सेंटर पे बंजारा हिल्स, सनत नगर, मनीकोंडा और कोमपल्ली पे जुलाई में हर शनिवार फ्री फर्टिलिटी कैंप रख रहा है। अवश्य आइए, अपना फ्री वैल्यूएशन कराइए, ट्रीटमेंट ऑप्शन समझिए और ये जान लीजिए कि बहुत अच्छे डिस्काउंट्स दिए गए हैं IVF पैकेज पर। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। इन्फ्लेमेशन क्या होता है यूट्रस का और इसकी वजह से आपको फर्टिलिटी में क्या बाधाएं आ सकती हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। सूजन बेसिकली ये है कि अगर अंदर कुछ इन्फेक्शन हो तो हमारे बॉडी में, हमारी यूट्रस में वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो उनसे लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो ये जो WBCs हैं उनकी वजह से ये इन्फेक्शन आता है जिससे ये इन्फ्लेमेशन होता है। ये बेसिकली बॉडी का रिएक्शन है इन्फेक्शन के इफेक्ट को कम करने के लिए। इसे एंडोमेट्राइटिस कहते हैं जब ये गर्भ में होता है, ये यूट्रस में होता है। तो बेसिकली इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि पेट में दुखना या ब्लीडिंग होना, डिस्कम्फर्ट होना, ब्लोटिंग होना, यानी जैसे सूजा हुआ बॉडी हो, ये सब इसके आसार होते हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात ये है कि इससे प्रेगनेंसी में भी बहुत बाधा हो सकती है। अगर आपके IVF हुए हैं, वो फेल हो रहे हैं और आपके एम्ब्रियोज भी अच्छे थे, फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, तो ये हो सकता है कि आपके यूट्रस में कोई इन्फेक्शन है। सबसे अच्छा तरीका ये जानने के लिए कि क्या सच में गर्भ में एंडोमेट्राइटिस है, क्या सच में कुछ इन्फेक्शन है, उसके लिए हिस्टेरोस्कोपी किया जाता है। इसकी वजह से अगर कुछ अंदर कुछ प्रॉब्लम है, स्कारिंग हुआ है, कुछ टिश्यू खराब हुआ है, उसे बाहर निकालना हो, तो इस हिस्टेरोस्कोपी को ऑपरेटिव हिस्टेरोस्कोपी में कन्वर्ट करके उसे निकाल दिया जाता है। ये बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई कटिंग वटिंग कुछ ज़्यादा होता नहीं है। तो ये एक तरीका है। कभी कभी जहाँ इन्फेक्शन होता है उसे बायोप्सी के लिए भी भेजा जाता है एग्जामिन करने के लिए कि कौन सा तरीके का इन्फेक्शन है, आपको कौन सा एंटीबायोटिक देने से आप ठीक होगे, ये इन्फेक्शन कम होगा और आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ेंगे। कभी कभी यूरिन का सैंपल भी लिया जाता है। तो ये सब जब हम करते हैं तो एंडोमेट्राइटिस को कम भी कर सकते हैं और आपके चांसेस प्रेगनेंसी के बढ़ सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।